बिग बॉस के घर में जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें कर दी थी एलिगोरी ने कि अब उनके रिप्लाई जो है धमाकेदार मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या कर दिया और रिप्लाई भी क्या हुआ, पूरा मांझरा बताऊंगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं पुरंदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। और आप सभी को बता दूं कि जब घर के अंदर टास्क चल रहा था, जिस दौरान अर्शी खान की टीम अलग थी, राहुल महाजन की टीम अलग थी, विकास गुप्ते की टीम अलग थी, तो यहाँ पर टीम में चार लोग थे, जहां पे कश्मीरा शाह भी जो थी वो इन्वॉल्व थी, रूबीना इन्वॉल्व थी, जैस्मिन इन्वॉल्व थी, साथ में विकास गुप्ता थे। अब यहाँ पर कश्मीरा जो है वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है इस बात को लेकर कि वो नॉमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर नॉमिनेशन के दौरान जब ये चीज हुई, तो जब ये रोती है तो एली होनी इस बात पर कमेंट करते हैं। एली लिखते हैं कि भाई कश्मीरा देवी को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इतना क्या उन्हें रोना आ रहा है कि भाई इतना क्या उन्हें उनकी फैन फॉलोइंग से, रुबीना और जैस्मिन की फैन फॉलोइंग से इतनी क्या तकलीफ हो रही है। इस बात का मुंह तोड़ जवाब मिला है एली गोनी को। किसने दिया है? कश्मीरा शाह की टीम ने दिया है। क्या दिया है अब वो सुनिए। सो यहाँ पर लिखते हैं कश्मीरा शाह की टीम ने दिया, क्योंकि कश्मीरा शाह जो है वो बिग बॉस के घर में है, तो यहाँ पर उनकी टीम ने उनको क्या रिप्लाई किया है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। डूइंग पर्सनल अटैक एंड पासिंग नेस्टी कमेंट्स ऑन समवंस एज माइट बी केपेबल फॉर यू, बट हैविंग विजडम इन लाइफ इज ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे एक और चीज लिखती है इन्होंने, टारगेटिंग अ सीनियर आर्टिस्ट, तो बहुत ही क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, टारगेटिंग अ सीनियर आर्टिस्ट इज अ नो विक्ट्री इन एनी फर्म स्पेशली। यानी कि आप हम सभी जानते हैं कि एली गोनी ने जो है इतना ज्यादा इंडस्ट्री में काम नहीं किया जितना कि कश्मीरा शाह ने किया है। सेकेंड एक और कमेंट है जो कि कश्मीरा शाह टीम की तरफ से आया है, तो यहां पर लिखा है, वेन यू जस्ट स्टार्टेड योर करियर एंड हैव डन मेरे टू शोज एंड शी इज 49 टूडे, हर अचीवमेंट्स एट द एज ऑफ 30 वर कमेंडेबल, बीइंग अ पार्ट ऑफ बिग बैनर लाइक यस बॉस, प्यार तो होना ही था, जंगल, हेरा फेरी, दुल्हन हम ले जाएंगे, एंड हैड डन 48 फिल्म्स अंटिल टुडे। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से कश्मीरा शाह के पूरे एक करियर को जो है उनकी टीम जो है वो सामने लेकर आई है, और एली गोनी को, यानी कि एली गोनी जिन्होंने जस्ट अपना जो करियर है वो इंडस्ट्री के अंदर शुरू किया, भले कितने भी साल हो गए लेकिन नामी जामी जो उनको मिला है वो पिछले दो से, जिसमें से खतरों के खिलाड़ी हो गए, दूसरा हो गया ये है मोहब्बतें। तो यहाँ पर इन दो चीजों से और कश्मीरा शाह जो है एक लेवल पे जाकर काम कर चुकी है, और जिस तरीके से एली जो बात कर रहे हैं और कश्मीरा जो है दोनों में काफी फर्क है। वेल ये दो टीम की तरफ से जवाब आ चुका है। वैसे मैं आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस।